मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मुझे एक प्रधानमंत्री बना दो। 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, जो भी मांगो नरेंद्र मोदी दे देगा, सिर्फ प्रधानमंत्री बना। अच्छा, प्रधानमंत्री मत बनाना, चौकीदार बना। चौकीदार बना दो मुझे। मजदूर के घर के सामने चौकीदार खड़ा होता है क्या? देखा आपने कभी? बेरोजगार युवा के सामने चौकीदार खड़ा होता है कभी? ना। किसान के घर के सामने चौकीदार खड़ा होता है कभी? अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार हैं? भाई और बहनों, चौकीदार सिर्फ अमीर लोगों के घर के सामने खड़ा होता है। पहले नारा हुआ करता था, अच्छे दिन आएंगे। क्या रहा? अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन चले गए, गायब हो गए, बाय बाय। अब नया नारा चला है, देश का आंदी चौकीदार, 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 चौकीदार। ये नया नारा चला। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने की बात की थी, याद है? याद है। भूल गए? भूल गए? आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिला? नहीं। कोई यहाँ एक व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में चौकीदार ने पैसा डाला? नहीं। अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाला है चौकीदार ने? नहीं। आपके जेब में कितना डाला? एक रुपया डाला? नहीं। तो ये चौकीदार के जो भाषण है, सब लोग सुनते हैं। मैंने भी एक बार टीवी पर इनको हर बैंक अकाउंट में 15 लाख डालने वाला वायदा सुन लिया, तो मैंने सोचा ये चौकीदार है, दिन भर झूठ बोलता है। मतलब जो इससे इनके मुंह से निकलता है वो झूठ ही निकलता है। मैंने सोचा कि थोड़ी सी सच्चाई हिंदुस्तान को भी बताया जाए, समझाया जाए। नहीं, ये बस झूठ बोलते रहते हैं, बहुत झूठ बोलते रहते हैं। मैंने सोचा थोड़ी सी सच्चाई देश के सामने रखी जाए। तो कांग्रेस पार्टी के लोगों से मैंने कहा, थिंक टैंक से कहा कि एक बात बताइए, ये चौकीदार ने 15 लाख का झूठ बोला है। कहा था हर बैंक अकाउंट में पैसा डालेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाल सकती है? मैंने ये कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट से, कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक से पूछा। मैंने उनसे कहा, देखिए मुझे बड़ी थ्योरी मत देना, मैं लंबे शब्द नहीं सुनना चाहता, मुझे नंबर चाहिए। उसने 15 लाख बोला था, मुझे नंबर चाहिए। उसने झूठ बोला था, मुझे सच्चा नंबर चाहिए। 6 महीने काम हुआ, दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से बात हुई, प्लानिंग हुई और एक नंबर निकला। कुछ ही दिन पहले चिदंबरम जी ने मुझे ये नंबर कागज पे लिख के दे दिया। नंबर मैं आपको बताना चाहता हूं, 3,60,000 रुपए। इसको दूसरे तरीके से बोलता हूं, 72,000 रुपए। अब आप पूछोगे ये दो नंबर क्या हैं? मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, 21वीं सदी में हिंदुस्तान में आज भी आपको गरीब लोग दिखाई देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल
करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया, आपके जेब में से पैसा निकाला, नोटबंदी के समय आपको लाइन में खड़ा किया, एक एक को लाइन में खड़ा किया, आपके जेब में से पैसा निकाला। अब हम आप सबको एक नई लाइन में खड़ा करना चाहते हैं। इस लाइन में आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, घर में बैठ के आप लाइन में खड़े हो सकते हो। देखिए, 20% परिवार हिंदुस्तान के 12,000 रुपए प्रति महीना से कम कमाते हैं। फिर से दोहराता हूं, हिंदुस्तान के 20% लोग महीने के 12,000 रुपए से कम कमाते हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम इन सब लोगों के नाम एक लिस्ट में डालेंगे, इन सब परिवारों के नाम, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी प्रदेश के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी सोच के हो, बस हिंदुस्तानी हो, और इन सब परिवारों के बैंक अकाउंट में हर साल हिंदुस्तान की सरकार 72,000 रुपए डालेगी। घर से बैंक के सामने जाने की जरूरत नहीं, सीधा पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। और मैं यहां पुरुषों से कहना चाहता हूं, नाराज मत होइए, मगर पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों को कांग्रेस पार्टी 5 साल में 3,60,000 रुपए गारंटी करके बैंक अकाउंट में डाल के दे दी। एक तरफ चौकीदार का झूठ, हर बैंक अकाउंट में 15,00,000 रुपए, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का सच, हिंदुस्तान के सबसे गरीब 20% लोगों के बैंक अकाउंट में 5 साल में 3,60,000 रुपए हमारी गारंटी। पैसा कहां से आएगा? नरेंद्र मोदी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, पैसा कहां से आएगा? मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा, मैं बताता हूं चौकीदार को, मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा। पैसा अनिल अंबानी जैसे लोगों के जेब से आएगा। आपने उसकी जेब में हिंदुस्तान की एयरफोर्स का 30,000 करोड़ रुपए डाला, आपने एयरफोर्स से पैसा चोरी करके उस चोर के जेब में डाला। हम वही पैसा उस चोर के जेब से निकालकर हिंदुस्तान के सबसे गरीब 20% परिवार में जेब में डाले। बोलो जो बोलना है, करो जो करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 20% परिवारों को 5 साल में 3,60,000 रुपए देने की गारंटी हमारी। हमने ये अनाउंस किया, आपने चौकीदार का चेहरा देखा होगा, हिल गया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल। मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मुझे एक प्रधानमंत्री बना दो, 15,00,000 रुपए बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, जो भी मांगो नरेंद्र मोदी दे देगा, सिर्फ प्रधानमंत्री बना। अच्छा, प्रधानमंत्री मत बनाना, चौकीदार बना, चौकीदार बना दो मुझे। मजदूर के घर के सामने चौकीदार खड़ा होता है क्या? देखा आपने कभी? बेरोजगार युवा के सामने चौकीदार खड़ा होता है कभी? ना। किसान के घर के सामने चौकीदार खड़ा होता है कभी? अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार हैं?